पढ़ने नहीं, सीखने चलो, आज नहीं कल बदलने चलो, चलो न्यू जनरेशन इंटरनेशनल अकेडमी चलो। आधुनिक शिक्षा तकनीकों से बच्चे बनेंगे स्मार्ट, न्यू जनरेशन इंटरनेशनल अकेडमी के साथ बदले अपने बच्चों का भविष्य। नए सत्र के लिए मुफ्त नामांकन। ये एनआरसी या सिटीजनशिप अमेंडमेंट ऑफ सिटीजन जो है ये काला कानून है, ये काला कानून जो है ये हम लोग नहीं मानेंगे। जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेती है सरकार, हम लोगों को चाहे फांसी पर चढ़ा दो, हम लोगों को जेल भेजो, हम लोग ये काला कानून को नहीं मानेंगे। सरकार जब तक काला कानून वापस नहीं लेती है, हम लोगों की लड़ाई चलती रहेगी। सरकार को जितना पुलिसिया ताकत है, पुलिसिया ताकत सरकार आजमाइश कर ले, हम लोग ये काला कानून को नहीं मानने वाले हैं। हम लोग इसका सड़क से लेके सदन तक विरोध करेंगे। ये नागरिकता कानून जनता के खिलाफ है, आम आदमी के खिलाफ है, ये गरीब के खिलाफ है, ये पूरे देश के जनता के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। हम लोग इस काला कानून को नहीं मानते हैं, हम लोग नदी के टोकरी में इस काला कानून को फेंकते हैं। ऐसे कानून को, ये नागपुरिया कानून है, ये भाजपाई कानून है, ये जनता के लिए कानून नहीं है। इस कानून का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इसकी जितनी पुलिसिया ताकत है आजमाइश कर ले, हम लोग फांसी पर चढ़ जाएंगे, लेकिन काला कानून को नहीं मानने वाले हैं। हम लोग सड़क से सदन भारत दुनिया के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये मेरा मौलिक अधिकार है। ये सरकार कोई हम पर काला कानून थोपेगी, हम इस जनता मानेगी कि नहीं मानेगी, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। हम सड़क पर आंदोलन करने के लिए शांतिपूर्ण, हमको संविधान में अधिकार प्रदत्त है। इसीलिए सरकार जो ये पुलिसिया कानून और हम लोग को नागपुरिया कानून को नहीं मानते हैं। सरकार को जितना ताकत है फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन इस काला कानून को हम लोग नहीं मानने वाले। अपना नाम क्या हुआ सर जी? ललित कुमार यादव। बात क्या है सर?